नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम नगर में स्थित भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माँ कामाक्षी देवी के मंदिर के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, दर्शन कैसे करें और दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कम्प्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको माँ कामाक्षी देवी मंदिर के दर्शन करने और यहाँ के आसपास दर्शनीय और पर्यटन स्थलों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको माँ कामाक्षी देवी टेंपल से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माँ कामाक्षी देवी टेंपल की। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम नगर में स्थित बहुत ही भव्य मंदिर है और इस मंदिर में त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति कामाक्षी देवी की प्रतिमा है जिसे दक्षिण भारत का सर्व प्रधान शक्ति पीठ माना जाता है और इस जगह माता का कंकाल गिरा था जिससे कि यहाँ की शक्ति को देव गर्भा तथा भैरव को रूरू माना जाता है और इन्हीं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप माँ कामाक्षी देवी मंदिर के दर्शन करने कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि सितंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के दौरान कांचीपुरम में कई सारे त्यौहार होते हैं जिससे कि यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु की काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन नवरात्रि के समय में माँ कामाक्षी देवी के दर्शन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जिससे कि इस मंदिर में दर्शन करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है। वहीं अगर आप गर्मियों के मौसम यानी कि अप्रैल मई जून में जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने में आपको बहुत ही कम समय लगता है लेकिन गर्मी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर पड़ती है जिससे कि आपको पर्यटन स्थलों को घूमने में और दर्शन करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माँ कामाक्षी देवी के दर्शन करने कब जाएं। दोस्तों अब बात करें कि आप कांचीपुरम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पर बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप कांचीपुरम ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन कांचीपुरम रेलवे स्टेशन है जहाँ से माँ कामाक्षी देवी मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है जिसे आप वॉक करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल लोकल ट्रेनें ही आती हैं इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप चिंगलपट्टू जंक्शन या फिर अक्कोड़म जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं क्योंकि चिंगलपट्टू जंक्शन से कांचीपुरम की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। वहीं अर्कोट्टम जंक्शन से 31 किलोमीटर की दूरी है जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके कांचीपुरम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इन दोनों जंक्शनों से कांचीपुरम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 50 से 60 रुपए पर पर्सन का होता है और वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए तक होता है। दोस्तों अगर आप कांचीपुरम फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट चेन्नई में स्थित चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट चेन्नई एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से कांचीपुरम की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी या फिर ट्रेन से पूरा करके कांचीपुरम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से कांचीपुरम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2200 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप कांचीपुरम बस से जा रहे हैं तो आपको कांचीपुरम के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और अहमदाबाद आदि जैसे शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट कांचीपुरम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कांचीपुरम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहां बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है जिनके जरिए आप अपने निजी वाहन द्वारा कांचीपुरम बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और तमिलनाडु राज्य की सड़कों पर आपको जगह जगह कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करें कि आप कांचीपुरम में कहाँ पे स्टे बनाएं। वैसे तो माँ कामाक्षी देवी मंदिर के ठीक सामने कांचीपुरम का एक छोटा सा मेन मार्केट है जहाँ पर आपको कुछ लॉज और होटल देखने को मिलेंगे जिन्हें आप लगभग 800 से 1000 रुपए में बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप यहाँ पे स्टे करने के बाद भोजन कहाँ करें। वैसे तो भोजन करने के लिए आपको मेन मंदिर के कुछ दूर बगल में ही निःशुल्क लंगर चलाया जाता है जहाँ पर आप जाकर के भोजन कर सकते हैं और यह लंगर सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक एक ही घंटा चलता है। इसलिए अगर आप इन टाइमों के बीच में कांचीपुरम पहुँचते हैं तो आप लंगर में जाकर के माता का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और जो लोग यहाँ पर भोजन करना नहीं चाहते तो आपको कांचीपुरम के मेन मार्केट में कई सारे रेस्टोरेंट, कुछ होटल्स और स्ट्रीट फूड वाले देखने को
मिल जाएंगे, जहां पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माँ कामाक्षी देवी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो माँ कामाक्षी देवी मंदिर के दर्शन करने का मेन द्वार पूर्व द्वार है, जहाँ से आपको दर्शन करने के लिए अंदर जाना होता है। और इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल, मंदिर के बगल में ही एक चप्पल स्टैंड है जहाँ पर आप निःशुल्क टोकन कटा करके अपने जूते चप्पल को रख सकते हैं। और जो लोग केवल दर्शन करने के लिए वन डे के लिए आए हैं और रूम की बुकिंग नहीं की है, तो उनके लिए यही मंदिर के बगल में ही फ्री क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपने सामान, बैग वगैरह निःशुल्क एक टोकन कटा कर रख सकते हैं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप उस टोकन को जमा करके अपने सामान को वापस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर, जहाँ मंदिर के मेन द्वार के ठीक सामने ही दीप प्रज्वलित की जाती है। तो अगर आप यहाँ पर दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर आप अपने मोबाइल कैमरा भी ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर फोटो और वीडियोस बनाना मना है। इसलिए आप 51 शक्ति पीठों में से एक माँ कामाक्षी देवी के दर्शन करें, यहाँ पर मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे और अगल बगल छोटे छोटे मूर्तियों के आप दर्शन कीजिए और फिर आप निकल जाए मंदिर से बाहर। और अगर आप पीक सीजन में यानी कि नवरात्रि के समय में या फिर किसी अन्य त्योहारों पर माँ कामाक्षी देवी के दर्शन करते हैं, तो आपको यहाँ पर दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है। और इस मंदिर के ठीक पीछे ही पंचकुंड बना है, जहाँ पर पहले स्नान किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर स्नान करने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए आप इस कुंड को देखिए और अगल बगल के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए आप आनंद लीजिए। दोस्तों, और भी कई सारे ऐसे जगह है कांचीपुरम में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे वैकुंठ पेरुमल मंदिर, उल गलंता पेरुमल मंदिर, प्रसन्ना वैकुंठेश्वर पेरुमल मंदिर, संकरा मठ, चित्रगुप्त मंदिर आदि जैसे कांचीपुरम के पर्यटन स्थल है जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपको कांचीपुरम में दर्शन करने और यहाँ के पर्यटन स्थलों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं, तो उसका चार्ज लगभग 4,000 से 5,000 रुपये पर पर्सन का होता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप कांचीपुरम में दर्शन करने और घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, यहाँ रुकने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं, कांचीपुरम में आप यहाँ के किन किन जगहों पर घूमते हैं और साथ ही कांचीपुरम आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।